Hello friends, and welcome to Fish Heroes, an online news channel connecting the locals to the global world. Today we have come here to just to switch the hair now. And we have Mr. Akram Salmani with us. Hello Mr. Akram. Hi. Okay. So sir, hamein bataiye ki aapne ye switch the hair now naam kyun rakha hai? क्योंकि मैंने जब इंडस्ट्री में देखा सब अपने नाम से रखते हैं और सब उन्हें ग्लैमर चाहिए, सबको किसी न कुछ ना कुछ फनकी नाम चाहिए। तो मैंने काफी टाइम से लाइक काफी मैंने नाम नेम्स निकाले हैं, तो उसमें मेरे को दिखा इज लाइक चेंज, इट्स अ डिफरेंट नेम, या इट्स चेंज लाइक चेंज योर हेयर स्टाइल, चेंज योर हेयर सलून, सो नाउ पीपल नीड सम चेंज ऑल्सो, सो दैट्स व्हाई आई थिंक दिस चेंज। तो हमें बताएं कि किस टाइप के कस्टमर्स आपके पास आते हैं, क्या कोई एज ग्रुप है जो आप ज्यादा प्रेफर करते हैं, लाइक यू नो टीनएजर्स और समथिंग? नहीं, मेरे पास ऑलमोस्ट हर टाइप के कस्टमर्स आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, किड से लेकर देयर इज नो लिमिट, नो एज लिमिट, बच्चे भी आते हैं, फॉरनर्स भी आते हैं, इंडियंस लाइक मिडिल क्लास, हाई क्लास, ऑल काइंड ऑफ पीपल। ओके ग्रेट। तो सर, बालों को लेकर लोगों की काफी सारी समस्या रहती है, जैसे कि आजकल के इस तनाव भरे जीवन में बालों का झड़ना एक बहुत ही आम समस्या है, क्या आप बता सकते हैं कि इसके लिए कोई उपाय होता है या कुछ ट्रीटमेंट होती है? ट्रीटमेंट होते डिपेंड है आपको किस तरह का हेयर फॉल है, आजकल इतना स्ट्रेस बढ़ गए, आप कुछ भी करिए, शैम्पू चेंज कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन कुछ वर्क नहीं होता है। आजकल मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा कि आपके हेयर फॉल अगर आपको रोकना है, सिर्फ डोंट टेक स्ट्रेस। ओह दैट्स वंडरफुल, लेकिन स्ट्रेस को लेना नहीं चाहता, स्ट्रेस हो जाता है। वो नेचुरली है, वो तो होता ही रहेगा, लेकिन इतना स्ट्रेस मत लो कि आप कि बालों पे असर हो जाए इसका। अच्छा सर, हमें बताइए लोगों की समस्या होती है या लोगों के मन में ये विचार होता है कि अगर मैं अपने बालों में हाईलाइट कराऊं, हर कोई चाहता है कि वो उनके बाल हाईलाइट से और ज्यादा खूबसूरत लगे, स्टिच कराएं वो, तो लेकिन लोगों के मन में ये बात आती है कि अगर मैंने स्टिच से हाईलाइट कराया तो मेरे बाल झड़ने लगेंगे, तो क्या ऐसा होता है कि प्रोडक्ट वाइज इसको हम स्टॉप कर सकते हैं या फिर थोड़ा कम कर सकते हैं? अभी आपको चीज करना है, कर रहे हो अभी, आपको मेंटेन रखना है, अभी आप नई गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी को मेंटेन करना पड़ता है, कलरिंग इज नॉट बैड फॉर हेयर, या यू हैव टू मेंटेन दैट। और कैसे इसको मेंटेन करते हैं? जैसे भी आपने अभी कुछ केमिकल अपने हेयर में किया है तो आपको आपको ट्रीटमेंट लाइक हेयर स्पा वगैरह, ऑयलिंग वगैरह, तो उस तरीके से अपने एक बार आपने खर्चा कर दिया कलरिंग करके, लेकिन उसको मेंटेन नहीं होगा, नहीं तो अगर वो आप मेंटेन नहीं करेंगे आपको इससे केमिकल वो थोड़ा तो हार्म करेगा। ओके, तो अगर हमें हाईलाइट स्टिच करवाने हैं तो उसकी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सर, कि अगर मैं अपने बालों की स्ट्रेटनिंग कराना चाहती हूँ, अभी मुझे लगता है कि मैं टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग करवा लूँ एक दिन के लिए, लेकिन अगर मैं परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवाऊंगी तो शायद लॉन्ग रन में मेरे बाल झड़ेंगे, तो क्या ऐसा होता है कि स्ट्रेटनिंग के बाद टेक्नोलॉजी टू एडवांस, अभी हर टाइप के हेयर के लिए अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट आते हैं, कुछ माइल्ड है, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, तो हैंड ऑफ योर हेयर आई सजेस्ट यू गो फॉर द रिलैक्स, लाइक वेरी स्मूथ, देयर इज नो हेयर फॉल, देयर इज नथिंग, दैट्स बेटर, सो टेक योर लाइक राइट एडवाइस विद योर हेयर स्टाइलिस्ट एंड गो फॉर इट, सो बिफोर यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ हाईलाइट्स और एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटनिंग, पीपल से लाइक इन द माइंड सो ओके आई वांट टू स्ट्रेट माय हेयर, स्ट्रेटनिंग इज लाइक रिबॉन्डिंग, ओके यू डोंट सी योर हेयर क्वालिटी एंड यू वांट टू गो फॉर द रिबॉन्डिंग, लेकिन आपको परफेक्ट रिजल्ट तो वो कर देते हैं आपको कुछ करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको एक महीने के बाद साइड इफेक्ट होना पड़ता है और फिर आप ब्लेम करते हैं कि मैंने ये किया तो ये हो गया। तो प्लीज पुट सम हाईलाइट ऑन, हमें जब बाल को कट करना है वी गो फॉर हेयर कटिंग, हाउ फ्रीक्वेंटली वन हैज टू गो फॉर अ हेयर कट? हेयर कट आप एवरी टू मंथ में एक क्रीम ले सकते हो, अगर किसी और लुकिंग फॉर लाइक समथिंग चेंज एवरी टाइम व्हेन यू गोइंग टू द सैलून और आपको हमेशा नया लुक चाहिए, तो यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 3 months फॉर न्यू लुक। ओके, सो अ कंप्लीट मेकओवर विद अ हेयर कट इज पॉसिबल? यस ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल, बट आई थिंक दैट केस अगेन लाइक
we have to use some little chemical effort and some color, then you get a perfect look. A perfect look. Okay. Yeah, and with that you have to go for little makeup also. Okay. Like give you that some tips at home. Whenever you are going to your office, so you can put little like slightly makeup on. Okay, yes. So the small changes in your day-to-day makeup or yes. your hair, you can definitely do a big thing to your look. Yeah. कहते हैं कि अगर हमने ब्लीच कराई या फेशियल कराया तो वो कुछ समय तक हमारे चेहरे को एक ग्लो देता है क्या ऐसा भी कोई फेशियल या ब्लीच है जो कि हम जो कि उसका रिजल्ट हमारे चेहरे पर 2-3 महीने तक दिखाई दे अगेन आप ये बोल रहे कि मैं एक बार कुछ कर लूँ और फिर लाइफ टाइम चलता है ये पॉसिबल नहीं है यस यू कैन गो फॉर लाइक अगेन आजकल इंसान अपना बजट देखता है अभी हम इंडस्ट्री इतनी बड़ी होती जा रही है दिन से दिन फैलती जा रही है आप देखेंगे जगह जगह सलून पार्क बड़े बड़े पैमाने पे बन रहे हैं लेकिन उसके साथ में जैसे हम लोग अंदर इंटीरियर करते हैं तो उतना ही हैवी प्रोडक्ट देते हैं तो जिसका एक मिनिमम एक जैसे जब कॉस्ट होता है 3000 पाएंगे और एवरीवन कांट अफोर्ड करते हैं तो ये भी काम करती है आपकी ब्लीच फेशियल के लिए भी लेकिन नॉट टू फॉर 2-3 मंथ या बस जस्ट फॉर 1 मंथ या मैनिक्योर एंड पेडिक्योर सो बेसिकली हाउ फ्रीक्वेंटली आप कह रहे थे कि आजकल हेयर स्पा और सैलून काफी सारे देखने को मिलते हैं मे बी कॉर्नर यूर फाइंड वन सैलून और हेयर स्पा सो देयर इज सच अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर यू तो आप इस कॉम्पिटिशन को कैसे डिस्क्राइब कॉम्पिटिशन इज गुड लाइक आई लाइक टू बी लाइक विद अ कॉम्पिटिटर मैं चाहता हूँ मेरे आजू बाजू में 2-4 सलून खुल जाएगा इट विल बी इट्स अ हेल्दी कॉम्पिटिशन बट नाउ इज लाइक आई कुड एवरी मंथ आई कमिंग बिग लाइक ज्यादा दिखाना और जब आप अंदर एंटर करते हो तो आप प्राइस पे करते हो तो फिर दोबारा उसमें एंटर नहीं करते और मेरे हिसाब में ऐसा है कि आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स एंड माई क्लाइंट इज नॉट माई क्लाइंट दे आर लाइक माई फ्रेंड नाउ Okay. So they can come to my salon. They can tell me this is my budget and you can do this. Okay. So I do according to the budget. Okay. I'm not charging. Okay. I'm like studies and because in 2 years I just started my another outlet. Okay. In Andhra. Okay. And next month my next outlet is coming in JW Marriott. Oh wow. So but there also I have like affordable prices. Okay. Not so a like, middle class person can also come. Middle class. Yeah. Yeah. Every client. Every type of people can come. Okay. But they are to like open with me. Yeah, this is my budget and then. You do it in this way. Yes. That's very cool. Okay. So, tell us the USP or the success mantra of Chris Sahela. USP is like, as I told you, I don't take any client as a client. I take everyone as a friend. Okay. I open with them and they are open with me. Uh-huh. Everywhere. Say about hair, say about. The pricing again the major factor nowadays okay. people are getting this much of salary but they want to take home home and they want to spend in salon they want to buying the some stockings and all okay so it's like jitna banda I'm just giving that okay give me your budget I'm giving you that much but okay तो सक्सेस मंत्रा है कि यहाँ पे ये फ्रेंडली हो जाते हैं और अगर आप इनको कहेंगे कि मेरा इतना इतना बजट है तो उसमें भी गिव इट द बेस्ट तो हमें बताइए कि आज से 5-10 साल के बाद हम स्विच द हेयर लॉन्च को कहाँ देखेंगे आपके फ्यूचर प्लान क्या है आज से 5-10 साल के बाद आप स्विच को नोट लाइक 100 or 200 आउटलेट या only 5-7 outlets more. Okay. So I want to keep the quality. Okay. I don't want to increase the quantity. Correct. So quality रहेगी तो switch रहेगा. बिल्कुल. तो मैं नहीं चाहता हूँ कि 15-20 outlets खोलो क्योंकि मेरे को तो manage करना है. मैं अपने अब अभी I told you कि अंधेरी outlet, Bandra outlet, all the clients I only handle personally. Okay. तो आप खुद ही उनको जो भी उन्हें करना है. So I go like I'll visit like one day or one day there. So I want to be open like. सिलेक्टेड आउटलेट के एक एक दिन में हर आउटलेट में दे सकते ओके दैट्स वेरी गुड एक्सीलेंट तो आप खुद ही अपने टाइम नेक्स्ट ऑन माय फ्यूचर प्लान इज लाइक इन दिल्ली पुणे एंड पंजाब एंड सूरत ओके हमें बताएं कि हेयर लॉन्च के और क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या आप प्रोवाइड करते हैं हाँ हेयर लॉन्च में आपको कम्प्लीटली मेकअप मिलता है हेयर स्किन मैनिक्योर पेडिक्योर आप हम फ्रूट्स के लिए भी कॉन्टेक्ट लेते हैं वेडिंग्स के लिए करते हैं और आपको पोर्टफोलियो भी हम लोग रेडी करते हैं ओके दैट्स हम लोग का कंप्लीटली पैकेज है एक्सेप्ट बॉडी मसाज
We don't, we are not into spa. Okay, you all are not into. Yeah. But you all are into hair care. Yeah, hair and skin. Okay. Thank you, Mr. Akram Salmani, कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया. Thank you for seeing the channel. Thank you, sir.